अब हम समझते हैं कि ट्रांस स्टेट होती क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल जो है ट्रांस स्टेट को पाना है। हिप्नोसिस का अल्टीमेट गोल क्या है? ट्रांस स्टेट को पाना। इस स्टेट में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। जब हमारा माइंड स्लो हो जाता है, जब हम ब्रेन वेव्स पढ़ी अल्फा लेवल्स और थीटा लेवल्स में जो लेवल हम अचीव करते हैं उसको हम ट्रांस लेवल बोलते हैं। लेकिन ये लेवल कुछ अलग नहीं है, हम दिन में कई बार इस लेवल में जाते हैं, कंटिन्यूसली जाते रहते हैं, तो कुछ अलग फील नहीं होता है। एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेट है। व्यक्ति समझता है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ, या कोई बोलता है मुझे तो सब सुनाई दे रहा था, एसी चल रहा था उसकी भी आवाज आ रही थी, पंखा चल रहा था उसकी भी आवाज आ रही थी, आप लाइट बंद कर रहे थे वो भी मुझे मालूम पड़ रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मालूम नहीं पड़ेगा। एक ऐसा क्षण नहीं होता है हिप्नोसिस की अवस्था में जहां पर आपको कुछ भी मालूम ना पड़ सके आसपास का। टोटली अवेयरनेस की स्टेज है, एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज है। जो चीजें आपको नहीं सुनाई देनी चाहिए, नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो भी सुनाई देती है और दिखाई देती है। तो एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस की स्टेज है ट्रांस स्टेट, जिसमें हमारा माइंड ज्यादा अवेयर हो जाता है और हमारी बॉडी एक स्लीपिंग मोड में, रेस्ट मोड में आ जाती है, रिलैक्स मोड में आ जाती है, लेथार्जिक मोड में आ जाती है। तो बॉडी हमारी लेथार्जिक हो जाती हैवी हो जाती है, रेस्ट मोड में आ जाती है, माइंड ज्यादा अवेयर हो जाता है। इस स्टेज को हम ट्रांस स्टेट बोलते हैं। हम वर्ड यूज करते हैं स्लीप, क्योंकि ट्रांस लोगों की नॉर्मल माइंड में फीड नहीं है, लेकिन जब हम उसको अचीव कर लेते हैं, रेस्टलेस रेस्ट की मोड को अचीव कर लेते हैं, रेस्टलेस मोड से लेकर रेस्ट पे ले आते हैं उसको, रिलैक्स मोड पे ले आते हैं, तब हम ट्रांस वर्ड का भी कई बार यूज करते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है ट्रांस क्या है, उसको हम बार बार कहते हैं कि अब आप ट्रांस में जा रहे हैं, इस डिजिट पे आप ट्रांस पर पहुंच जाएंगे। ट्रेनिंग ऑफ माइंड, आगे हम सीखेंगे ट्रेनिंग ऑफ माइंड, माइंड को ट्रेन करना। तो उसके अंदर हम उसको बताते हैं कि ट्रांस स्टेज पे आप कैसे पहुंचेंगे, वो कंडीशंस बताते हैं उसे, वो टर्म्स देते हैं उसे कि आप ट्रांस पे ऐसे पहुंचेंगे। तो ट्रांस स्टेट एक नेचुरल स्टेट है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में सिम्टम्स को पढ़ेंगे, उन सिम्टम्स से हम बता सकते हैं ट्रांस स्टेट क्या है, या एजिंग ग्राफ से हम बता सकते हैं कि आपका ग्राफ स्लो हो गया था, या जीएचआर मशीन आती है जिस गैल्वेनाइजेशन स्किन का मेजर किया जाता है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि आप एक रिलैक्स मोड में गए थे, तो उससे लोगों को मालूम पड़ता है। बाकी एक नेचुरल स्टेट है, कुछ भी अलग सा इसमें फील नहीं होता है। तो कुछ भी अलग सा कोई ढूंढने वाला आपके पास आता है कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ कि आपने मुझे हिप्नोटाइज करा, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ट्रांस स्टेट एक नेचुरल स्टेट है। अब बुक पढ़ते हैं, टाइम जहां पर टाइम की परिभाषा नहीं होती, आपको कोई बहुत इंटरेस्टिंग बुक मिल गई, आप 4-5 घंटे पढ़ता चले गए और जब वो बुक फिनिश हुई तब आपको एहसास हुआ कि आप बहुत देर से उसको पढ़ रहे हैं। आप एक इंटरेस्टिंग मूवी देखने गए, इंटरवल आया, सडनली हार्श हुआ, अरे इंटरवल के बाद एंड कब आ गया, 1 घंटा चला गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। कोई इंटरेस्टिंग सीरियल्स देख रहे हैं आप, टेलीविजन देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो जहां पे टाइम जल्दी कवर हो जाता है, टाइम आपको पता नहीं पड़ता है, दैट इज ट्रांस स्टेट। तो जब भी हम कंसंट्रेट किसी चीज पे कर रहे होते हैं, हम ट्रांस में होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम नेचुरल अवस्था में हम ट्रांस में होते हैं, आके खोल के भी हम ट्रांस में होते हैं, आगे जाके प्रैक्टिकल साहब आके खोल के भी ट्रांस में ले जाना सीखेंगे। तो ट्रांस एक नेचुरल स्टेट है, कुछ अलग नहीं है। थैंक यू।